हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी मंत्रा। मैं विकास सोनी फिर से स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे एनडीए फर्स्ट 2016 का जो एग्ज़ाम था उसकी फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिटेल के अंदर। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने 2016 का जो सेकंड वाला था वो कर लिया था, 2018 के दोनों कर लिए थे, 2019 का कर लिया था। इस तरह से बहुत सारे हमने प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कर लिए थे और भी करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, अगर आप स्क्रीन पे देखें, दे रखा आपके पास एक कोई कंटेनर है। इस तरह से मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक कंटेनर, कहा कि कंटेनर के अंदर पहले आपने पानी डाल रखा है, वाटर को फिल किया, फिर क्या किया उस पूरे पानी को, पहले यहाँ पर क्या था, पानी था, मैं H2O लिख देता हूँ, ठीक है। फिर क्या किया, पानी को रिप्लेस करके निकाल के अब उसके अंदर मरकरी डाल दिया, HG। आपको जो मरकरी है उसकी डेंसिटी गिवन है। फिर आपको कहा कि अगर एक्स वाटर का वेट है, वाई मरकरी का वेट है, तो इन दोनों में रिलेशन बताओ। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन है कितनी, 13.6 मल्टीप्लाई बाई 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इतना दे रखा है। क्या आपको पानी की डेंसिटी पता है? नहीं पता तो याद रखें कितनी होती है, 10^3 kg पर मीटर क्यूब। पानी की इतनी डेंसिटी होती है, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, देखो इस वैल्यू और इस वैल्यू को कंपेयर करो, तो कौन सी ज्यादा है, आप देखिए ये वाला फैक्टर ज्यादा है, इससे कितने ज्यादा है, इतने टाइम्स। तो मैं यहां से लिखूं कि डेंसिटी ऑफ जो मरकरी है वो 13.6 टाइम्स होती है किसकी डेंसिटी, किससे बेटा, वाटर से। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखे, ये इसमें काम आने वाला है। अब क्वेश्चन में आपको कहा कि अगर क्या है, वाई जो है वो वेट है, इसका वेट ऑफ मरकरी, जो इसके अंदर मरकरी डाली उसका वेट अगर वाई है, और एक्स क्या है, एक्स है वेट ऑफ वाटर जो इसमें पानी डाला, इन दोनों की रिलेशन बताएं। तो सबसे पहले ना वाटर, सबसे पहले मैं मरकरी का वेट निकालता हूँ। वेट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बेटा, मास किसका, मरकरी का इंटू जी, और इसका लिखूं क्या होगा, मास किसका, पानी का इंटू जी। यही तो फॉर्मूला होता है, मास मल्टीप्लाई बाई जी एम जी, यही तो होता है वेट का फॉर्मूला। अब हमें डेंसिटी की टर्म में पता है, तो डेंसिटी की टर्म में पता है तो हमें मास निकालना है। तो मैं क्या करूं, पहले तो इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, यानी मैं y को डिवाइड कर रहा हूं x से, और मेरे पास क्या है, ये g से तो g कैंसिल आया, है मास ऑफ मरकरी डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर, इसके टर्म में आ गया। अच्छा मास कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला बताओ, डेंसिटी एक्चुअल में होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, यही तो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। तो यहां से अगर मास पूछा जाए तो क्या गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मरकरी का मास क्या होगा, मरकरी की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कंटेनर का तो सेम है, पहले कंटेनर इतना था उसके अंदर पानी था, अब उतनी कंटेनर के अंदर मरकरी डाला, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम है दोनों केसेस में, यानी आपके पास वाई बाय एक्स डेंसिटी की टर्म में आ गया। डेंसिटी मरकरी की आपको पता है कितनी है बेटा, 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10^3 डिवाइड बाय वाटर की, आपको मैंने बताया 10^3, इससे कैंसिल हुआ, कितना आया कि y अपॉन x इज इक्वल टू 13.6। तो यहां से क्या आया, y इज इक्वल टू 13.6 टाइम्स ऑफ x, यानी वेट ऑफ द मरकरी इज 13.6 टाइम वेट ऑफ वाटर। समझे क्या है कि यहां पर देखिए, इस कंटेनर के अंदर पानी की जगह जब मरकरी को भरा, वॉल्यूम तो उतना ही है, अब मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से मरकरी का वेट ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, जितने टाइम्स डेंसिटी है, डेंसिटी 13.6 टाइम्स है, तो जो वेट होगा वो भी इतना कितना होगा, 13.6 टाइम। तो ये था आपका क्वेश्चन कौन सा, फर्स्ट। अब ऑप्शन में जरा ध्यान दें, पहला ऑप्शन जो है एक्स इज इक्वल टू वाई, ये नहीं होगा, ये तब होता जब डेंसिटी बराबर होती, यहाँ तो नहीं है बराबर। ऑप्शन बी में कहा एक्स इज इक्वल टू 13.6 वाई, नहीं हमारे पास तो वाई आया, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी, पहले से रिलेटेड है, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, क्या बताया था अभी याद कीजिए, पानी की डेंसिटी बता के गया था। आपसे पूछा कि डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पे होती, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना कि मैक्सिमम डेंसिटी किसकी, पानी की, वो होती है 10^3 kg पर मीटर क्यूब, यानी इसको लिख सकते हो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और होती किस पे, ध्यान देना, एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ये याद रखेंगे आप, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, नहीं, मिनिमम 0 पे वो भी नहीं है, मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, बिल्कुल ठीक कहा, वाटर का एनएमएलएस बिहेवियर होता है जिसकी वजह से 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर।
अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान दें, आपसे मैं बोलूं आइस, वाटर और स्टीम, ये तीन अलग अलग फॉर्म्स हैं, आपको पता है ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है और ये गैस स्टेट है तीनों ही H2O। अब आपको मैं बोलूं कि इसमें डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, ध्यान देना। हम जनरली सोचते हैं कि आइस की डेंसिटी ज्यादा थी, बट ऐसा ट्रू नहीं है। आपको बताओ आइस कब बनता है, जब जो टेम्परेचर है वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस हो। पानी 0 डिग्री पे तो फ्रीज होता है, तो उससे कम पे आइस की स्टेट मिलेगी, और ये 0 डिग्री या उससे ज्यादा पे मिलेगा, और ये 100 से ज्यादा मिलेगा। ये आपको मिलता है टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। आपने क्या ध्यान देना है, पानी की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा इस स्टेट के अंदर होती है, वो भी एट 4 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा होती है। यानी अगर आप पानी को आइस में बदलते हो, ध्यान से सुना, पानी को जब आइस में बदला जाता है तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी सबसे ज्यादा तो 4 डिग्री पे, यानी वाटर की स्टेट में जब आइस में बदलते हैं तो डेंसिटी स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगी, डिक्रीज होती दिखेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि बर्फ बनाई जाती है जब पानी से, जब पानी फ्रीज होके आइस में कन्वर्ट होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होती है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, और स्टीम में बदलेगा तो भी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर होते जाएंगे। क्लियर, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक आगे क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ये लॉजिक भी काम आएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भागते भागते, कहा आपके पास, कहा सपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास इक्वल मास इज एफ। दो आपके पास वस्तु हैं, दो पिंड हैं, उनका द्रव्यमान एक जितना है एम मान लेते हैं, उनके बीच में जो गुरुत्वीय बल लग रहा है वो एफ है। तो मैंने कुछ इस तरह से दो पिंड या ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है, ये भी एम द्रव्यमान या मास, इसका भी एम, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है, इसको मैंने एफ लिख दिया। अब कहा गया कि अगर मास को डबल कर दें, यानी इनका जो द्रव्यमान है उसको दो गुना कर दें, और बीच की जो दूरी है उसको उतना ही रखें, ये जो डिस्टेंस है पहले अगर r था अब भी r है, बस आपने m को बदल दिया, इसको 2m कर दिया, इसको 2m कर दिया, नया फोर्स बताए। देखिए जब हमने कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल था, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता हो, गुरुत्वाकर्षण बल वाला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, g पहले का द्रव्यमान दूसरे का द्रव्यमान मतलब मास डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब आपको कहा कि नया फोर्स बताओ, नया फोर्स कब, जब नया मास हो, नया मास कितना, मास को डबल करना है, m की जगह 2m लिख दिया, इस m की जगह भी क्या लिख दिया 2m, क्योंकि दोनों को डबल करने के लिए कहा है, और ये भी कहा डिस्टेंस उतना ही है, इसको आ ही रखा आपने। अब देखें 2 फैक्टर यहां से आया, 2 फैक्टर यहां से आया, टोटल कितना आ गया 4 फैक्टर यहां से आया, जी एम इंटू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये कोई जानी पहचानी चीज लग रही है शायद, ये पुराने वाला फोर्स है, तो आपके पास आ गया 4 ऑफ F, यानी जो नया फोर्स आया वो पुराने वाले से 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। अब अगर ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए तो शायद जो सी ऑप्शन है वो आपको दिख रहा है, और अभी तक जो हमने पहले तीनों क्वेश्चन किए तो तीनों के आंसर शायद ऑप्शन सी ही थे बाय लक। क्लियर, तो दिस इज द आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो यानी फॉर्मूला बेस्ड आप देखें, कोई अलग से लॉजिक नहीं, जस्ट फॉर्मूला के ऊपर ही है, मोस्टली ऐसे ही मिलते हैं आपको क्वेश्चन इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़े, कहा आपको कोई एक पिंड है, ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो नीचे गिर रही है, फ्री फॉल कर रही है, और कितनी हाइट से, 20 मीटर की हाइट से, कहता है कि जब वो 5 मीटर नीचे आ जाती है तो उस केस में उसकी एनर्जी क्या होगी, कुछ एनर्जी से रिलेटेड ऑप्शन है। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या माना, एक बिल्डिंग है कुछ इस तरह से, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है ये आपको कितना कहा, ये आपको 20 मीटर क्वेश्चन में बोल दिया, और यहाँ पर कोई इस तरह से कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है या पिंड है, यहाँ पर बिल्कुल टॉप लेवल पे थी, इस तरह से 20 मीटर पे थी। अब इसको छोड़ दिया, ये नीचे गिरेगी, आपको पता है जब ये नीचे आ रही थी, मान लेते हैं ये यहाँ पर पहुंच गई, एक टाइम ऐसा है कि ये यहाँ पर पहुंची, और कितना नीचे आ गई, आपको ये गिवन है कि यहाँ से ये जो दूरी है वो कितनी है, 5 मीटर है, यानी अब जमीन से कितना ऊपर बचा हो, तो ये जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ, ये 15 मीटर हुआ, क्योंकि टोटल 20 है, अगर 5 नीचे आई तो ये 15 बचा। अब आपको 4 ऑप्शंस दे रखे, और ध्यान दें ऑप्शन में पहले में टोटल एनर्जी की बात हो रही है, कुल ऊर्जा की बात हो रही है, दूसरे में पोटेंशियल है, तीसरे में पोटेंशियल है, और चौथे में टोटल एनर्जी। तो मैं आपको बताना चाहूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गिरता है नीचे की ओर, उसकी जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी जो होती है, आपको पता है वो क्या होती है, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जोड़ होता है, सम होता है, गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा दोनों का क्या होता है बेटा, जोड़ होता है। अब ये ध्यान देना आपने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि दोनों का सम ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये सेम रहता है, टोटल एनर्जी है इस बॉडी की वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा।
टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कोई चीज नहीं। क्यों? अगर ये यहाँ पर है तो इसकी इतनी हाइट है, इस जगह इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये मूव नहीं कर रहा। जैसे इसको छोड़ेंगे नीचे आएगा तो मोशन करने लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, काइनेटिक बढ़ने लगेगी। जैसे ये यहाँ पर पहुंचेगा काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, लेकिन सम कॉन्स्टेंट रहेगा, इन दोनों का जोड़ वो सेम रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। अगर ये कम होनी स्टार्ट कर जाए तो ये बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ओवरऑल दोनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो गलत हुए, क्योंकि ऑप्शन ए में कहा टोटल एनर्जी कम हो जाएगी, नहीं ये तो सेम रहेगी। ऑप्शन डी में कहा कि ये बढ़ जाएगी, ये भी गलत है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब ऑप्शन ए और डी तो बिल्कुल गलत है, यानी बी और सी में होना चाहिए। अब देखिए वो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, तो मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, अगर मैं इसको कैपिटल यू से लिखता हूँ, जब वो यहाँ पर था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को मैं U1 लिख देता हूँ, कितनी होगी, वो होगी m इंटू जी इंटू हाइट, हाइट कितना बेटा 20, तो मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको सिंपल कर दूँ तो 20 इंटू एम जी आ गए यहाँ पर इस जगह पर। अब वो जो नीचे गिरी 5 मीटर नीचे आई, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उसको मैंने U2 लिख दिया बाद वाली, तो कितनी होगी बेटा ये m इंटू जी, अब हाइट कितनी है, अब हाइट 15 हो गई, क्योंकि 5 कम हो गया तो ये 15 ही तो बचा, तो ये आपके पास आ गया 15 ऑफ mg। अब आपको क्वेश्चंस के ऑप्शन में एनर्जी का, देखिए बी ऑप्शन में कह रहा है कि 1/4 कम हो जाएगी और सी में कहा कि 1/4 बढ़ जाएगी, यानी 1/4 तो आंसर मिल जाएगा, गेन होगा या लॉस होगा उसको जानना है। तो कभी भी ध्यान दें, इतनी एनर्जी पहले थी ये बाद वाली है, ये इनिशियल है तो ये फाइनल है, तो हमें चेंज बताना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते, ध्यान देना, बाद वाली पोटेंशियल एनर्जी माइनस पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि बाद वाली कितनी है, बाद वाली है 15 ऑफ एम जी माइनस पहले वाली कितनी है 20 ऑफ एम जी डिवाइड बाय पहले वाली कितनी है 20 ऑफ एम जी। यहाँ से देखिए ऊपर आ गया माइनस का 5 एम जी डिवाइड बाय 20 एम जी, mg से mg कैंसल, आ गया माइनस का 1/4, 1/4 यानी इतना डिक्रीज होगा, डिक्रीज कैसे पता लगा, माइनस से, माइनस इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हाइट ज्यादा थी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर हाइट कम हुई तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लॉस होगा, और कितना 1/4। अब इसमें भी जरा ध्यान दें, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बी ऑप्शन के अंदर ही आपको पोटेंशियल एनर्जी के लॉस करने की बात कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे पूरा सोल्व ना करूं, मुझे डायरेक्ट, आप देखिए डायरेक्ट आपको ऑप्शन को देखिए आंसर देना हो, तो सिंपल देखिए पहला ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन तो हमने पहले कहा कि वो गलत है, क्योंकि टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, फिर बी और सी में कौन सा सही है। अब देखिए हाइट कम हो रही है, हाइट कम होने से हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, याद रखना, तो डिक्रीज वाला आपको लॉस वाला ऑप्शन बी दिख रहा है, तो चुपचाप बी पे आप आंसर निकाल दें, तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मैंने विद प्रूफ बताया था, बट आपको करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला दो आपके पास फिर से कोई वस्तु है, पिंड है ए और बी, और दोनों मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, उनकी जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो एक समान है, दोनों का बराबर है। मैं इस तरह से बना लेता हूँ कि कोई ए ऑब्जेक्ट है, ये कोई बी ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे चल रहा है, अगर इसकी वेलोसिटी वी है तो इसकी वेलोसिटी भी वी, दोनों बराबर कहा आपको, लेकिन कहा क्या, जो मास है बी का, इसका जो मास है वो डबल है ए वाले से, अगर इसका द्रव्यमान मास एम है तो बी का उससे दुगना है, आपको क्वेश्चन में कहा है उससे डबल है। इन ऑप्शंस में से मुझे बताना सही कौन से ऑप्शन, मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम के बारे में, तो पहले मैंने इसका मोमेंटम निकाला ए का, तो मोमेंटम का फॉर्म होता है मास यानी द्रव्यमान गुणा में वेग, मास इंटू वेलोसिटी एम वी। इसका मोमेंटम निकालू बी का तो क्या होगा, इसका मास 2m इंटू वेलोसिटी कितनी बेटा वी, आ गया 2 ऑफ एम वी। अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखिए, पी और पी बी को, तो आपको पता है पी बी जो है वो है 2 टाइम्स ऑफ एम वी, और एम वी है क्या, एम वी तो है पी ए, यानी आपके पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ पी ए। आपको क्या पता लगा, दूसरे का यानी बी वाले का जो मोमेंटम है, बी वाले का जो संवेग है वो ए वाले से दुगना है। अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा, अब पहला ऑप्शन का है मोमेंटम ऑफ बी विल बी डबल ऑफ ए, बिल्कुल ठीक कह रहा है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, क्वेश्चन में कहा भी सूर्य ग्रहण लग रहा है, सोलर एक्लिप्स है, तो सूर्य ग्रहण के दौरान होता क्या है, किसका मोशन होता है और कहाँ होता है, आपको बताना चाहूँ। अब ये मान लीजिए हमारे सूर्य देवता है बहुत बड़े, अभी थोड़े दिन पहले भी हुआ था, और ये हमने बना लिया अर्थ, क्या बना लिया अर्थ।
अच्छा मुझे बताओ मून कहाँ होता है? मून सन के नजदीक होता है अर्थ के? वो तो अर्थ के नजदीक होता है। इस तरह से मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जैसे ये मून है वो ऐसे अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। जब मून ऐसे घूमता घूमता यहाँ पर आ गया सपोज दैट मून, तो क्या होता है सन से जो लाइट आती है, सन से जो ऐसे रेज आ रही हैं, अगर मून यहाँ नहीं है, मून यहाँ पर है, तो सारी रेज डायरेक्ट अर्थ के इस सरफेस की तरफ आएंगी, हमें सन दिखेगा। लेकिन जब मून बीच में आ जाता है, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, कौन? मून आ जाता है, तो क्या होगा? ये जो लाइट है पूरी अर्थ पे नहीं गिरेगी। देखिए सन के इतने पोर्शन से लाइट यहाँ से ब्लॉक होगी, आगे नहीं पहुंच पाएगी, तो इतना सन का पार्ट नहीं दिखेगा, यानी आपको शेडो दिखेगा वहां पर। एंड इसी को तो सोलर सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। सूर्य ग्रहण होता क्या सूर्य ग्रहण में कि सूरज का सन का कुछ पार्ट हमें अर्थ से दिखाई नहीं देता, विजिबल नहीं होता, बिकॉज ऑफ द मून। अब ऑप्शन में देखिए, पहले मैं कहा अर्थ कम्स इन बिटवीन, अर्थ बीच में नहीं आती, मून आ रहा है बीच में, यानी आपका ऑप्शन नंबर एक गलत है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में कहा मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ, मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, यानी बी ऑप्शन में सही कहा गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है ऑप्शन नंबर बी। हालांकि आपको एक और देखिए ऑप्शन में सी में कहा मून कम्स एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द अर्थ एंड सन, कि मून है वो अर्थ और सन के बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ तो नहीं है ना मून, मिड में तो नहीं है, यानी सन और अर्थ के मिड में तो नहीं है, बीच में तो नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। मून अर्थ के नजदीक है, यानी एक साइड का डिस्टेंस ज्यादा है, एक साइड का कम है, मिड वे वाला ऑप्शन नहीं आएगा, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। बड़ी अगले क्वेश्चन की ओर, कहा एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपको एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट बताना है, तो मेरे ख्याल में आपको याद हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब वेलोसिटी का यूनिट आप बच्चों को याद हो मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई, एक टाइम और है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। और देखिए ये एसआई में है, एसआई सिस्टम के अंदर है। अगर मैं लेंथ को मीटर की जगह सेंटीमीटर में मेजर करूं, टाइम तो सेकंड में ही रखूं, तो ये भी एक यूनिट बनता है एक्सेलेरेशन का, बट ये किस सिस्टम का है? सीजीए सिस्टम का है। आपको क्वेश्चन में कहा यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन, वो भी एसआई वाला, तो एसआई यूनिट आपका ऑप्शन नंबर बी है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको यही दिख रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिख रहा है। हालांकि ऑप्शन सी और डी ये दो यूनिट हैं एक्सेलेरेशन के, बट एसआई सिस्टम के नहीं है। क्लियर? सी डी भी यूनिट्स हैं, सी डी भी एक्सेलेरेशन के यूनिट हैं ऑप्शन में जो दे रखे हैं, बट ये एसआई यूनिट नहीं है। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे बोल दूं कि इनमें से कौन सा एक्सेलेरेशन का यूनिट नहीं हो सकता, इनमें से कौन सा एक्सेलेरेशन का यूनिट नहीं हो सकता, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में करके बताना है, ठीक है इस क्वेश्चन का। ये अगले क्वेश्चन में बढ़े, कहा आपके पास एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, एक कॉनकेव मिरर के, एक अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है उस पे रखा गया है, उसकी जो फोकस दूरी है फोकल लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर दे रखी है। कहा कि ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर फोकस की तरफ करें तो इमेज के नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जरा समझे इसको। सबसे पहले मैंने एक कॉनकेव मिरर बना दिया इस तरह से, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये इसका पोल, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, और ये इसका फोकस पॉइंट बना दिया, फोकस बिंदु। अब आप जरा ध्यान दें, इस केस में आप किसी वस्तु को जब रखते हैं उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का अलग अलग इमेज बनता है। आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव के केस में टोटल 6 तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है, 6 तरह की बनती है। अब इस क्वेश्चन में कहा कि आपके पास जो वस्तु थी वो ऐसे सी के ऊपर थी, यहां पर थी सी के ऊपर, कुछ इस तरह से मैंने बना लिया यहां पर थी, और ये जो डिस्टेंस है देखिए, ये जो डिस्टेंस है फोकल दूरी आपको 16 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये भी आगे वाला कितना होगा? 16 सेंटीमीटर होगा। अब क्वेश्चन में ये भी कहा कि इसको आपने मूव किया, और मूव करके आप यहाँ आगे ले आए, थोड़ा सा कितना आगे लेके आए आप इसको, आगे की तरफ 8 सेंटीमीटर लेके आए। जब आप इसको 8 सेंटीमीटर आगे लेके आए, अभी भी देखें किसके बीच में, ये सी और एफ के बीच में है, तो शायद आपको याद होगा जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, क्या आपको पता है? चलो मैं आपको बता देता हूँ, जब ऑब्जेक्ट सी पे होते हैं तो उसकी इमेज सी पे ही बनती है एकदम नीचे, और जब ऑब्जेक्ट सी से थोड़ा उस तरफ नजदीक लेके जाएंगे तो इमेज इस तरफ बढ़ती है। अगर आप ऑब्जेक्ट को उधर की तरफ मूव कराते हो तो इमेज वो इधर की तरफ मूव करेगी, यानी ये जो इमेज है वो इधर की तरफ जाएगी, और साइज में भी क्या हो जाती है? बड़ी होती जाती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक जाएगा वैसे वैसे साइज बढ़ता रहेगा इधर की तरफ। यानी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है तो सबसे पहले देखिए कि ऑब्जेक्ट अगर 8 सेंटीमीटर फोकस की तरफ लेके गया तो इमेज इधर मूव करेगी, बिल्कुल इधर मूव करेगी, जरूरी नहीं कि 8 सेंटीमीटर करे। और देखिए जरा इमेज वो नीचे की तरफ बन रही है, नीचे की तरफ है मतलब ये उल्टी है, इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड हमेशा रियल होती है, और आपको ये साइज में भी बड़ी मिलेगी। अब ऑप्शंस पे जाएं अगर, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि रियल एंड मैग्नीफाइड,
क्या ये रियल है? बिल्कुल ये रियल इमेज बनती है। क्या ये मैग्नीफाइड है? बिल्कुल ये मैग्नीफाइड भी है, बड़ी भी है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन को देखें, उसमें कहा वर्चुअल है और मैग्नीफाइड। देखिए वर्चुअल सीधी होती है तो ये सीधी तो नहीं है, यानी ऑप्शन बी गलत है। सी में कहा रियल और रिड्यूस्ड। रियल है बिल्कुल, लेकिन ये छोटे साइज की नहीं है, यानी सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन में कहा वर्चुअल है और रिड्यूस्ड है। वर्चुअल भी नहीं है, ठीक है, रिड्यूस भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। आपका ए बिल्कुल सही है। आपको याद होगा सिक्स केस, सबसे पहला क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, दूसरा वो बियॉन्ड सी हो, तीसरा एट सी हो, फिर था बिटवीन सी एंड एफ, एक हुआ करता बेटा एट एफ, और एक होता है बिटवीन F and P। तो ये टोटल 6 केस होते हैं ऑब्जेक्ट को रखने के, और आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। देखिए ये सिचुएशन कौन सी थी, C और F के बीच वाली, ये वाला आपको इस क्वेश्चन में दिया गया, यानी ये वाला आपको पूछा गया। तो आपको सबकी इमेज फॉर्मेशन बताओ शायद कैसे याद रखें। देखिए सबको नंबर दे दीजिए, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार, पाँच, छः, और एक जीरो नंबर और दे देते हैं, किसको, बिहाइंड को, पीछे के लिए, बिहाइंड के लिए जीरो। हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज जो है उसकी पोजीशन, उनका सम 6 लिखना है। यानी अगर ऑब्जेक्ट एक नंबर पे है, एक नंबर पे है, तो एक में मैं कितना ऐड करूं कि वो 6 बन जाए, एक में कितना ऐड करूं कि वो 6 बन जाए, एक में मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये 5 वाला आंसर आएगा। एट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज बनती है एट एफ। अच्छा अब अगर बियॉन्ड सी रखते हैं, देखिए बियॉन्ड सी रखते हैं, दो नंबर है, तो दो नंबर में मैं कितना ऐड करूं कि मुझे बताओ 6 मिल जाए, आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये 4 वाला। तो बियॉन्ड सी रखने पर बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनती है। तीसरे पे चले, एट सी पे रखने पे कहाँ इमेज बनेगी, देखिए यहाँ पर आ गया 3, तो 3 में कितना ऐड करूँ 3 बन जाए, 3 ही तो ऐड करना पड़ेगा, यानी एट सी पे रखने पर एट सी पे ही इमेज बनती है। इस तरह से चार वाले में 2 का आएगा क्योंकि 6 इनका सम होता है, बिटवीन सी एंड एफ के लिए क्या बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा, एट एफ के लिए 5 में 1 जोड़े तो एट इन्फिनिटी, बिटवीन एफ एंड पी के लिए देखिए 6 में क्या ऐड करना पड़ेगा 0, तो यानी ये बिहाइंड बनेगी, बिहाइंड यानी पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ बनना वो कौन सा केस होता है बेटा, ये वर्चुअल का केस है, और बाकी ये जो पांचों के पांचों केस है बेटा ये रियल के केस होते हैं, इन केसेस में इमेज रियल बनती है, रियल हमेशा उल्टी होती है। अब बात आती है साइज की, जरा ध्यान देना कि जब इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज देखिए फोकस पे बनेगी, बिल्कुल पॉइंट साइज, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक लेके आओगे मिरर को, इमेज दूर होती जाएगी और साइज में बड़ी होती जाएगी। यानी यहां से इस केस में देखिए साइज छोटा है, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे साइज आपको इंक्रीज होता दिखेगा, साइज आपको इंक्रीज होता दिखेगा, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। और यहां तक देखिए एट सी वाले केस में साइज बराबर है और इसके बाद आपको बड़ा मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक समझ गए होंगे, ऑप्शन ए, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से अगला क्वेश्चन ऑप्टिक्स से रिलेटेड आपसे पूछ लिया गया, एक आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल को क्या कहा, एकदम सीधा रखा है और 10 सेंटीमीटर पे रखा है एक कॉन्वेक्स लेंस से, इस बार लेंस का बोल दिया, आपके पास एक उत्तल लेंस है, आपको इस बार दर्पण मिरर नहीं दे रखा, उसकी फोकल लेंथ भी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इस बार आपको नेचर ऑफ द इमेज बताना है और साथ में आपको सिंपली नेचर ऑफ द इमेज बताना है। लेट अस सपोज मेरे पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फोकस पॉइंट मान लेते हैं, और ये इसका सी वाला पॉइंट। आपको जो पेंसिल दे रखी है एकदम सीधी रखिए और 10 सेंटीमीटर पे रखिए, और इसकी जो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है ये आपको 15 सेंटीमीटर दिया, और कहा ऑब्जेक्ट 10 पे है, यानी ऑब्जेक्ट 10 पे है, डिस्टेंस तो सारे यहाँ से मेजर करते हैं, यानी यहाँ से 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर लगभग यहाँ होगा, ये डिस्टेंस कितना मान लो 10 सेंटीमीटर मान लो। इससे एक चीज़ तो पता लगी आपको कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो पेंसिल है, ये ओ और एफ के बीच में रखी है, और अगर आपको इसके 6 केस याद हों तो जब भी ऑब्जेक्ट ओ और एफ के बीच में रखा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस यही तो होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट को ओ और एफ के बीच में रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो आपको पता है बड़ी बनती है, वर्चुअल होती है और सीधी होती है। जैसे इस केस में बना के देखें, एक रे मान लेते हैं कुछ इस तरह से जा रही है पैरेलल, तो आपको पता है उसको कन्वर्ज कर देगा तो इधर फोकस में से पास हो जाएगी। दूसरी रे अगर मैं ये बनाता हूँ, इसमें से पास हुई, ये इधर की तरफ चलेगी, ये दोनों रे कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन इनको मैं अगर बैक में ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो शायद ये दोनों जो रेज हैं वो यहाँ पर मुझे लगे मीट कर रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी क्या बन गई, इमेज बन गई ए डैश बी डैश, अगर मैं इसका नाम लिखता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी क्या बन गई, इमेज। अगर जरा ध्यान दें, ये इमेज सीधी भी है, बड़ी भी है, और साथ में क्या है, सेम साइड में बनी है। अब अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखें, पहले में कहा रियल है, रियल नहीं है, क्योंकि रियल को कभी भी डॉटेड लाइन से नहीं बनाते, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका गलत है इसका। ऑप्शन बी में कहा फिर से रियल है, तो रियल तो बिल्कुल नहीं है, ये वर्चुअल है।
हाँ ऑप्शन सी और डी में दोनों में वर्चुअल लिखा गया, लेकिन ऑप्शन सी को देखिए कहा वर्चुअल है, बिल्कुल ठीक है वर्चुअल है, इरेक्ट सीधी है, लेकिन रिड्यूस्ड है छोटे साइज की है। क्या इसका साइज इससे छोटा है? नहीं ना, तो सी भी गलत बोल रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही बचा? डी ऑप्शन सही बचा, यानी आपको मैग्नीफाइड मिलेगी, लार्ज साइज मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी, यानी ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, डाटा जो है इसका सिर्फ और सिर्फ आप यूज कर रहे हो सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्सेस ऑफ एनर्जी से रिलेटेड आपको कहा कि इनमें से कौन सा सोर्स जो है वो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, जो हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं एंड जो लिमिटेड भी है, खत्म भी हो जाते हैं। कन्वेंशनल सोर्स आपको पता वही होते हैं। अब टाइडल एनर्जी क्या रहती है? देखिए टाइडल एनर्जी क्या होती है, जो ओशंस में या जो सी है उसके अंदर जो टाइड्स बनती हैं, टाइड्स क्या होते हैं, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वाटर का लेवल ऊपर और नीचे जाता है, तो वो टाइड्स बनती है उससे एनर्जी मिलती है, ये कन्वेंशनल नहीं है। हाँ रिन्यूअल है ये। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स हैं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, दैट इज जियोथर्मल, ये भी रिन्यूअल है। सोलर एनर्जी सन से जो मिल रही है ये भी रिन्यूएबल है, लगातार मिलती रहती है, लेकिन ये तीनों ही कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी के नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है जिसमें आपको कहा गया बायोमास एनर्जी, तो ये आपकी क्या होती है बेटा, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। बायोमास एनर्जी में जैसे कोल जो है वो इसका एग्जाम्पल है, पेट्रोलियम ठीक है, नेचुरल गैस, ये सब एग्जाम्पल है किसके, बायोमास एनर्जी। अब बायोमास क्यों लिखा? देखिए बायो वर्ड लिविंग थिंग्स के लिए, याद रखें लिविंग थिंग्स से ही कहीं ना कहीं जो मास है वो एनर्जी बना रहे। अब कोल आपको पता होगा किससे बना, बहुत पहले बना है, प्लांट से बना है, प्लांट लिविंग थिंग ही हुआ करते थे। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आपको पता होगा एनिमल्स जो बहुत पहले सी बेड में जो है नीचे दब गए थे उनकी वजह से बना है, यानी ये कहीं ना कहीं लिविंग थिंग से बना है, कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बेटा आपका वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्टिक्स से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ गया, लेकिन है बड़ा इजी सा क्वेश्चन। एक औरत है, एक लेडी है, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। तो मैं एक इस तरह से समतल दर्पण बना देता हूं और आपको कहा कि वो इस दर्पण के आगे यहां पर खड़ी है, मान लीजिए लेडी जो है, और ये जो इसका डिस्टेंस है मिरर से आपको कहा ये 1 मीटर है, 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर। तो आपको पता है प्लेन मिरर सेम डिस्टेंस पे इमेज बनाता है, तो इसकी इमेज है उस लेडी की वो भी पीछे कितनी बनेगी, 100 सेंटीमीटर पे बनेगी, 1 मीटर पे बनेगी, बिल्कुल आपको पता है। अब कहा शी वॉक्स, वो चलती है दर्पण की तरफ, इधर बढ़ती है, कितना आगे आ जाती है, 60 सेंटीमीटर। वो चलते 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 मान लेते हैं यहां पहुंच गई, इस जगह पहुंच गई, कितना आगे आई वो, 60 सेंटीमीटर। तो इमेज बताओ, इमेज भी तो आगे आ जाएगी, लेट अस सपोज इमेज जो वो यहाँ पहुंच गई, वो भी कितना आगे आई होगी, 60 सेंटीमीटर आई होगी। अब क्वेश्चन में कहा कि द डिस्टेंस ऑफ हर इमेज, उसकी इमेज जो है, उसकी इमेज जो है वो उस खुद से, यानी इससे खुद से कितनी दूर है, ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में पूछा, ये कितना है। और साथ में बोला है आप ये माने कि इसका थिकनेस बहुत कम है, यानी इसको ज्यादा थिक ना माने, तो आप ये बताना। अब देखिए 100 सेंटीमीटर था, 60 चल दी, कितना बचा, 40 सेंटीमीटर बचा, इधर भी कितना बचा, 40 सेंटीमीटर बचा, तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना आया, 40 और 40 पता ही होगा आपको, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। अब ऑप्शंस पे जरा ध्यान दे, तो मुझे सी ऑप्शन इसके अंदर दिख चुका है जो कि 80 सेंटीमीटर है। इस तरह से देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको ये बनाना भी नहीं पड़ेगा, जस्ट माइंड में रख के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा था ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार डिपेंड्स अपॉन इट्स, कोई स्टार है बहुत दूर है, ये लेट अस सपोज अर्थ है, हम यहाँ पर अर्थ पे किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, लेट अस सपोज यहाँ पर, उससे आपको पता लाइट मिल रही है, उसकी ब्राइटनेस कितनी होगी, उसकी ब्राइटनेस किस कितनी होगी, यानी वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आपको ये कहा। देखिए अगर आपको, देखिए पहले ऑप्शन में कहा साइज एंड टेम्परेचर ओनली, दूसरे में कहा साइज एंड डिस्टेंस, साइज एंड टेम्परेचर एंड मास, साइज टेम्परेचर एंड डिस्टेंस। अब याद रखिए इसका साइज बिल्कुल मायने रखता है, देखिए एक ही छोटा सा ऑब्जेक्ट है और एक मान लीजिए इसके कंपेरिजन में बड़ा ऑब्जेक्ट है, आप खुद सोचें कि दोनों में से लाइट किसकी ज्यादा पहुंचेगी। आप ऐसे इमेजिन करें एक छोटा बल्ब है और एक बड़ा बल्ब है और आप कहीं खड़े हैं, तो आपको ज्यादा लाइट किससे मिलेगी, ज्यादा ब्राइट कौन सा दिखेगा, जो बड़ा है, यानी यहां पर साइज मैटर करता है बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन कहा टेम्परेचर, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो स्टार्स रहते हैं, स्टार्स के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, वहां पर हीलियम बन रहा होता है, हाइड्रोजन लगातार कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से लाइट एमिट करता है, और साथ में उनका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी स्टार का जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां से उतनी ज्यादा लाइट एमिट होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी वो एमिट करेगा, यानी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल ठीक है।
एंड अगला आप देखिए डिस्टेंस बिल्कुल मायने रखता है। आप मुझे बताएं एक बल्ब आपके यहाँ पर लगा है, एक बल्ब बहुत दूर लगा है, तो उससे जो लाइट मिल रही है तो श्योर सी बात है कि जो नज़दीक होगा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, जो दूर है उसकी ब्राइटनेस कम होगी। यानी जो डिस्टेंस है किसी पर्टिकुलर स्टार का जहाँ से देख रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, यानी इन तीन फैक्टर्स पर। हालांकि एक ऑप्शन में आपको मास दिखेगा, देखिए मास का कोई लेना देना नहीं। अगर मैं बोलता हूँ एक स्टार ये है एक स्टार ये है, दोनों का मास डिफरेंट डिफरेंट है, साइज सेम है, टेम्परेचर सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो देखिए मास वहाँ पर मैटर नहीं करता। तो ब्राइटनेस के लिए तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, और आप ज्यादा ध्यान दें आपको ऑप्शन डी में ये तीनों दिख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहा आपके पास एक ग्लास वेसल, एक कांच का बर्तन है आपके पास, वो पानी से भरा हुआ पूरा एकदम, और उस पर एकदम कस के ढक्कन लगा दिया। तो मान लेते हैं मैंने एक इस तरह से कंटेनर बना रखा है, कांच का है, ठीक है, और क्या किया इसको पूरा पानी से भर दिया, पानी से भर दिया और ऊपर ऐसे ढक्कन लगा दिया, इसके ऊपर अच्छे से कस के ढक्कन लगा दिया, मतलब ये खुलेगा नहीं। फिर आपसे पूछता है उसको आपने फ्रिज में रख दिया, आपने क्या कर दिया उसको फ्रीजर के अंदर रख दिया, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, अब होगा क्या? पानी को फ्रिज में रखेंगे पानी कन्वर्ट हो जाएगा, जम जाएगा, यानी जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होगा, पानी जो है वाटर वो किस में बदलेगा, आइस में बदलेगा। अब पानी का आइस में बदलने से होगा क्या, इस कांच के बर्तन पे इफेक्ट पड़ेगा, समझना जरा इसको, एक प्रैक्टिकल सा ही क्वेश्चन है। अब आपको ध्यान हो मैंने आपको बताया था कि पानी और जो बर्फ है इन दोनों में एक फर्क होता है कि डेंसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है, 4 डिग्री सेल्सियस वाटर स्टेट है, यहाँ पर जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और इस केस में डेंसिटी जो है बेटा वो कम होती है। यानी अगर मैं आपको बोलूँ कि पानी बर्फ में बदल रहा है तो एक इनडायरेक्टली डेंसिटी है वो डिक्रीज भी हो रही है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, आपको याद हो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये तो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। अब मास क्या है, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर, जितना पानी का मास होगा बर्फ का मास तो उतना है, वो तो चेंज नहीं होता, स्टेट चेंज होने से वो थोड़ी चेंज होगा, मास तो है कांस्टेंट, ये नहीं बदलेगा। अगर ये फैक्टर कांस्टेंट है तो रो और वॉल्यूम इन्वर्सली हुए, रो और वॉल्यूम इन्वर्सली हुए, यानी अगर किसी सिचुएशन में डेंसिटी डिक्रीज होगी वॉल्यूम वहां पर इंक्रीज होगा, अगर डेंसिटी इंक्रीज होती है वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और इस सिचुएशन में मुझे बताओ पानी जब बर्फ में बदल रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है, डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब वॉल्यूम का बढ़ना, यानी ये जो अंदर पानी है जब वो बर्फ में बदलेगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वो कांच के बर्तन के अंदर जिसमें बर्फ जमेगी फ्रीज होगी उसका जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो जो कांच का बर्तन है उसके टूटने के चांस होंगे, वो टूट सकते हैं। अब ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखें, पहले में कहा द वॉटर फ्रीज टू द आइस, जो पानी है वो बर्फ में बदल जाएगा, द लेवल ऑफ द आइस कम्स डाउन, उसका लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। लेवल कम कब होता, जब वॉल्यूम कम होता, और वॉल्यूम कब कम होता, जब डेंसिटी बढ़ती, बट इसमें डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। ऑप्शन बी में कहा वॉटर इन द ग्लास वेसल सिंपली फ्रीजेस टू आइस, वो सिंपल बर्फ में बदल जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। तीसरे ऑप्शन में कहा द ग्लास वेसल ब्रेक्स ड्यू टू एक्सपेंशन एज वॉटर फ्रीजेस टू आइस, ग्लास वेसल टूट जाएगा क्योंकि जो पानी है बर्फ में बदलेगा तो एक्सपेंड होगा, एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होना, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है ये, आपका ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको कहा एक सिंपल सर्किट है, एक बिल्कुल साधारण परिपथ है, उसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, उसमें साथ में एक बल्ब लगा हुआ है जिसका जो रेजिस्टेंस है 24 ओम दे रखे, 24 ओम। आपको कहा कि जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं उसमें लगा एक एमीटर कितनी रीडिंग दिखाएगा, कुछ इस तरह से मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस तरह से लगा हुआ है, साथ में एक एमीटर लगा रखा है, अब एमीटर हमेशा सीरीज में लगा होता है आपको पता होगा, और साथ में इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है इस तरह से, और एक स्विच ऑन ऑफ के लिए लगा रखा है। अब ये जो बैटरी है ये आपको गिवन है कितनी है, ये आपको 12 वोल्ट का दे रखा है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस 24 ओम दे रखा है। जैसे ऑन करेंगे आपको पता है सर्किट में करंट फ्लो करेगा, जो करंट इस बल्ब में से जाएगा वही इस एमीटर में से जाएगा, तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी, एमीटर की रीडिंग वही करंट होगी जो किसकी होगी, बल्ब का करंट होगा। यानी अगर मैं बल्ब पे जो करंट है उसकी वैल्यू निकाल दूं आपके पास आंसर आ जाएगा। और वैसे भी एक आइडियल एमीटर क्या होता है, देखिए इसका खुद का रेजिस्टेंस नहीं होता, जीरो होता है, मतलब टोटल सर्किट के रेजिस्टेंस में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब आपको याद होगा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, तो मुझे यहाँ पर I निकालना है तो क्या आएगा, V बाय R
वोल्टेज आपको 12 वोल्ट गिवन है, रेजिस्टेंस 24 ओम है, सोल्व कर सकते हैं तो 1/2। और देखिए ये भी SI में लिखा, ये भी SI लिखे तो करंट भी SI में आएगा, हाफ एम्पियर यानी 0.5 एम्पियर। अब ऑप्शंस को जरा ध्यान दें, पहला ही ऑप्शन आपको 0.5 एम्पियर का दिख जाएगा, यानी इस बल्ब में 0.5 एम्पियर करंट गया और बल्ब के साथ ये सीरीज में लगा तो इसके अंदर भी 0.5 एम्पियर करंट ही जाएगा, तो एमीटर का जो रीडिंग होगा वो 0.5 एम्पियर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तीन रेजिस्टर्स है आपके पास, मैग्नीट्यूड दे रखा है 2, 4 और 8 ओम, पैरेलल में कनेक्ट किया उनको पहले समांतर में, फिर कहा उसका इक्विवेलेंट बताना है। तो बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको तीन इस तरह से रजिस्टर मैंने बना लिए, उनका वैल्यू भी आपको दे रखा है। देखिए हालांकि क्वेश्चन विदाउट सॉल्व किए हो जाएगा, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये आपके पास 8 ओम, पैरेलल में जोड़ा है तो टोटल रेजिस्टेंस बताए। देखिए पैरेलल में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगर आपको याद होगा कि पैरेलल के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस आता है, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वो हमेशा लेस देन होता है किससे, स्मॉलेस्ट से, स्मॉलेस्ट रेजिस्टर से। यानी आपने ये जितने भी लगाए इनमें जो सबसे छोटा है ना, टोटल रिजल्ट उससे भी कम आएगा आपके पास। इसमें देखिए सबसे छोटा क्या है, 2, यानी जो आपका आंसर आएगा इसका टोटल में आरपी, वो 2 ओम से भी कम आएगा, यानी आपका आंसर होगा 2 से कम ही आएगा। हालांकि चेक कर सकते हैं इसको कैसे, आपको पता होगा टोटल पैरेलल में निकालना होता है, क्या करेंगे हम सबका रेसिप्रोकल करें, 1/2, 1/4 एंड 1/8। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूं, दैट इज 8, तो यहाँ से बचा 4, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1, ये आ जाएगा 7/8, और ये इसका, ये तो 1/RP का वैल्यू है, तो मुझे अगर आरपी निकालना है पैरेलल में वो आएगा 8/7, अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। देख लीजिए 1 पॉइंट समथिंग आया, जो कि लेस देन 2 ओम है, 2 से कम है, यही तो मैं बता रहा था आपको। तो सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट क्या रखें याद, पैरेलल के अंदर टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टर से भी कम होता है। अब इसमें आपको देखें 2, 4, 8 के लगा के तो आंसर 2 से कम होना चाहिए, अब कौन सा ऑप्शन बोल रहा है, पहले में ही देख लीजिए लेस देन 2 ओम, बिल्कुल लेस देन 2 ओम ही है, यानी इसका जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है। और यही क्वेश्चन अगर सीरीज का होता, अगर आपको बोलते कि तीनों ये सीरीज में लगे होते तो रिजल्ट इसका बिल्कुल उल्टा होता। सीरीज में क्या होता है, टोटल जो होता है वो बड़ा होता है किससे, लार्जेस्ट से, किससे, लार्जेस्ट रजिस्टर से, तो आपका जो आंसर होता है क्या होता है, मोर देन 8 ओम, क्योंकि तीनों में बड़ा सबसे 8 है तो इससे भी बड़ा होता, यानी ग्रेटर देन दिस 8 ओम। क्लियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन में आपको कहा कि आपके आसपास जो मैटर है, पदार्थ है, आपको जनरली पता है उसकी 3 स्टेट है, हालांकि टोटल 5 स्टेट्स हैं, यहाँ पर आपको 3 सॉलिड लिक्विड गैस का कहा है, ठोस द्रव और गैस का, इनको अरेंज करना है किस वाइज, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कि आप उनको कितना दबा सकते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, ध्यान दें डेंसिटी का रिलेशन है, यानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसको कम कंप्रेस किया जा सकता है, उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो कम होती है। अब यहाँ पर सबसे कम डेंसिटी गैसेस की, देखिए डेंसिटी ऑफ जो गैस होती है वो सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा डेंसिटी लिक्विड्स की होती है और उससे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड्स की होती है, तो कंप्रेसिबिलिटी उल्टा होगा, यानी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम किसकी होती है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड्स की, और सबसे कम जो दबाए जा सकते हैं वो होते हैं सॉलिड्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, सबसे ज्यादा गैस आएगा, फिर लिक्विड एंड सॉलिड। अब ऑप्शन में ध्यान दें, सबसे पहले गैस, फिर लिक्विड, सॉलिड, बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहा द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता दी आपको कि जब एक सॉलिड कोई चीज है वो लिक्विड में बदलती है तो वो मेल्ट होता है, एंड उस टेम्परेचर को हमने क्या कहा, मेल्टिंग पॉइंट कहा। क्लियर, फिर कहा गया कि ये किस चीज के बारे में बताता है आपको, क्या ये बताता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जो अणु होते हैं उनके बीच का जो आकर्षण बल उसको दर्शाएगा, क्या उनके बीच के रिपल्शन को, विकर्षण वाले बल को बताएगा, क्या वो उसके द्रव्यमान को बताएगा या उसके साइज के बारे में बताएगा। अब जरा ध्यान दें सॉलिड लिक्विड में कब बदलते हैं, देखिए सॉलिड के जो पार्टिकल है ऐसे बना ले, मान लीजिए अणु है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब आप उसको कुछ हीट या एनर्जी देते हो,
और वो जो हीट और एनर्जी कहाँ यूज होती है, वो इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस को कम करता है, और जब अट्रैक्शन फोर्स को कम करेगा तो ये पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे। अब दूर होने का मतलब वो कौन सी स्टेट में बदल चुके हैं, वो लिक्विड स्टेट में बदल चुके हैं, सॉलिड में थे लिक्विड में बदल गए, यानी उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ। किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। यानी ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये टेम्परेचर को तो इंडिकेट करता है, और टेम्परेचर किसको इंडिकेट करता है? एनर्जी गिवन को। और एनर्जी गिवन किसको इंडिकेट करती है? कितनी स्ट्रेंथ कम होगी। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज द करेक्ट आंसर। यानी मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी का ज्यादा है, इसका मतलब उस मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम है, यानी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है और इजिली वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रेजिस्टेंस के कंसेप्ट पे फिर से एक न्यूमेरिकल, हर साल न्यूमेरिकल रहता है इस तरह का कोई, इस पर भी देखें। आपको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, एक परिपथ दिखा रखा है, उसका टोटल रेजिस्टेंस बताना आपको कुछ इस तरह से दे रखा है। आपको एक रेजिस्टर यहाँ है, एक रेजिस्टर यहाँ दिखा रखा है, एक रेजिस्टर यहाँ है, एक और रेजिस्टर यहाँ आपको दिखा रखा है कुछ इस तरह से। वैल्यूज दे रखी है, 2 ओम आपको दे दिया, ये 4 ओम दे रखा है बेटा, ये 6 ओम है और ये आपके पास 8 ओम है। टोटल रेजिस्टेंस बताने। सबसे पहले ध्यान दें कि जैसे आप यहाँ से सर्किट में एंटर करें, यहाँ पर तीन अलग अलग रास्ते हो जाते हैं, यानी ये तीनों सीरीज में नहीं है, ये तीनों पैरेलल में है। तो मुझे सबसे पहले इनका रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो इनका रिजल्ट निकाले कैसे? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ये आपके पास 1/r- लिखता हूँ इस पूरे की वैल्यू को। तो एलसीएम निकाले 2, 4, 6 का, क्या आएगा 12। तो 2 डिवाइड बाई 12 दैट इज 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 1, 6। यहाँ पर इस तरह से 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11 बाई 12। तो आपके पास जो R डैश आया वो क्या आया? 12 बाई 11। यानी इन सब का आपने निकाल लिया 12 बाई 11 ओम। अभी ये 8 ओम बाकी है इस टोटल का। अगर इसको देखें तो ये और ये जो टोटल, ये दोनों सीरीज के अंदर है, सीरीज में सिंपल ऐड होते हैं। तो टोटल जो आएगा वो क्या आएगा? 12 बाई 11 प्लस में दिस 8। तो एलसीएम ले इसका 11, 12 प्लस 88। 88 और 12 कितना होता है? ये आता है 100 डिवाइड बाय 11। 100 को 11 से डिवाइड करो, कितने पे जाएगा? 99। एक पीछे रिमाइंडर बचा डिवाइड बाय 11। तो आपके पास देखिए 9 1 बाय 11 ओम। क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको? देखिए बिल्कुल, मुझे तो ऑप्शन नंबर सी दिख चुका है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे इन तीनों का जो आंसर आया वो इसके साथ सीरीज में, इन तीनों का सबसे पहले निकाला कितना आया? वो 12 बाय 11 ओम आया। फिर उसको मैंने सिंपली 8 के साथ ऐड कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। एक रेसिंग कार है, वो एक्सेलेरेट कर रही है एक स्ट्रीट रोड पे, रेस्ट से स्टार्ट हुई और उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है, वो भी 25 सेकंड के अंदर अंदर। तो कुछ इस तरह से मैं एक स्ट्रीट रोड मान लेता हूँ। तो यहाँ पर एक कोई कार है स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई। और कुछ देर बाद जब हम उसकी स्पीड को चेक करते हैं तो वो आपको 50 मीटर पर सेकंड मिलती है, यानी फाइनल वेलोसिटी समझ लीजिए भी। और 0 से 50 होने में टोटल जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 25 सेकंड लगते हैं आपको। फिर कहा गया अज्यूमिंग, आपने अज्यूम करना है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल बताना है कि कार जब 0 पे थी और कार अब 50 की स्पीड पे आ गई है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं इसको एस लिखता हूं तो मुझे ये बताना है। अब यहां से जब यहां गई वेलोसिटी में चेंज आया, एक्सेलेरेशन होता है, मुझे नहीं पता, पहले मैं एक्सेलेरेशन ही कैलकुलेट करता हूं। तो आपको पता होगा एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी बाद वाली वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। बाद वाली वेलोसिटी 50 है, स्टार्टिंग की 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, टाइम कितना लगा? 25 सेकंड लगा। तो आप देख सकते हैं 50 डिवाइड बाय 25 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मिनट यही होता है। तो आपके पास एक्सेलेशन आ चुकी है कि वो 2 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर, इतनी एक्सेलेशन से एक्सेलेट कर रहा है। लेकिन हमें तो ये डिस्टेंस है पूछा। तो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन याद हो, बहुत सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है जिनमें एक ये आपने सुना होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at2। एक ये भी होती है v2 - u2 = 2s, यानी जिसमें भी s आता हो वो आप यूज कर सकते हो। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हालांकि टाइम आपके पास 25 है ही, प्लस का हाफ एक्सेलेशन निकाल चुके हैं 2 into t का स्क्वायर, t आपको पता है 25 टाइम गिवन है, इसका स्क्वायर किया। अब ये टर्म आ गई 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से ये 2 कैंसिल, 25 का स्क्वायर दैट इज 625। तो आपके पास आया 625 मीटर, यानी डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो आपका 625 मीटर, इतना आपके पास आंसर आ गया। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा? बिल्कुल, आप देखें अगर आपको जो पहला ऑप्शन है यही आपको सही मिल गया तो इसका आंसर आएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी है जिसका जो वेट है 70 kg दे दिया, वेट अब 70 kg, ये मास की वैल्यू एक्चुअल में जी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट आ जाएगा। कहते हैं कि लिफ्ट में नीचे आ रहा था और सडनली क्या करता है, उस लिफ्ट की जो केबल है, तार है, वो टूट जाती है। उस आदमी का अब वेट कितना होगा? इस तरह से लिफ्ट मान लेते हैं, उसमें एक इस तरह से पर्सन है, ठीक है, ये लिफ्ट का रोप है, किसी मोटर वोटर से कनेक्टेड होगा जो उसको धीरे धीरे नीचे लेके आ रही थी पहले। सडनली यहाँ से ये टूट जाती है, अब ये लिफ्ट एकदम से नीचे गिरेगी। जब ये टूट जाएगी तो इस लिफ्ट का जो मोशन होगा वो कैसा होगा? फ्री फॉल। कैसा होगा? फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब कि वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जा रहा है, कोई रस्सी से बंधा नहीं, यानी ऊपर की तरफ जिसने रोक रखा था पहले वो कुछ नहीं है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, उसका फ्री फॉल हो जाएगा। और एक चीज ध्यान देना, जब भी कोई चीज फ्री फॉल कर रही हो उसका जो वेट होता है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्री फॉल करती हुई चीज का वेट हमेशा जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। चाहे उसका वेट पहले 50 kg हो, चाहे 70 kg हो, चाहे 100 kg हो, वेट की बात करो, मास की बात नहीं हो रहा, वेट की बात हो रही है। 70 kg वेट आपको बोल रहा है तो इसका मतलब क्या? 70 kg मल्टीप्लाई बाय जी, दैट इज द वेट। अब इसमें कहा फ्री फॉल, तो फ्री फॉल के दौरान जो वेट होता है वो जीरो होता है। अब आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपको जीरो मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ डी। कैसे होता है जीरो? अब उस कंसेप्ट को समझे, देखिए दो कंसेप्ट समझने वाले आपको। अगर आपको कहा जाए कि एक लिफ्ट है और उसके अंदर कोई पर्सन है, ठीक है, जिसका मास एम है, ध्यान देना जिसका मास एम है, अगर ये लिफ्ट ऐसे नीचे की ओर जाती है, ध्यान देना नीचे की ओर जाती है, लेकिन किसी ए एक्सलेशन से, फ्री फॉल नहीं कर रहा, यानी किसी चीज से बंधा हुआ है और जो इसको धीरे धीरे नीचे भेज रहा है, लेकिन एक्सलेशन है, एंड उस केस में जो वेट होता है, ध्यान देना उस आदमी का, उसका फॉर्मूला होता है मास एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस ए। ये फॉर्मूला होता है वेट का बेटा। देखिए कोई भी चीज जब नीचे एक्सेलेट करती है किसी लिफ्ट में तो ये वेट का फॉर्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, जब ये लिफ्ट यहां से जा रही थी, ये रस्सी टूट गई, यानी जो एक्सेलेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी बन गई यहाँ पर, क्योंकि फ्री फॉल वाला है तो ए की वैल्यू जी हो जाएगी। सुनो, यहाँ पर जब जी पुट करोगे तो जी माइनस जी जीरो, जीरो इंटू मास जीरो, वेट कितना आ जाएगा? जीरो। तो ये आंसर इसी फॉर्मूले से आया है, क्योंकि फ्री फॉल के दौरान ए और जी दोनों बराबर हो जाते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ध्यान दें, अगर आपको कहा जाए कि जो लिफ्ट है वो अगर ऊपर की ओर मान लेते हैं जा रही है और एक्सेलेट कर रही है, ऐसे सिचुएशंस के अंदर बेटा वेट का जो फॉर्मूला रहता है वो एम जी प्लस ए, ये वाला फॉर्मूला रहता है। अपवर्ड मोशन के लिए वेट का ये फॉर्मूला होता है, यानी अगर ये कुछ एक्सेलेशन से ऊपर जा रहा है तो टोटल वेट देखिए इंक्रीज होता है, क्योंकि प्लस कुछ फैक्टर आ रहा है, और जब कोई चीज नीचे की तरफ एक्सेलेट होती है उसका वेट कुछ डिक्रीज होता है, और अगर वो फ्री फॉल करे कहीं से भी कोई कनेक्शन आओ तो वेट जीरो हो जाता है। आई थिंक सो समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा था डी, बट इसके साथ साथ ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको आने चाहिए। एक कंडक्टर है आपके पास, उसमें करंट भी जा रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और करंट की वैल्यू भी दे दी, 1 एम्पियर करंट जा रहा है, उससे हीट बन रही है, कितनी? 2000 जूल बन रही है हीट, और कहा कि करंट को अगर डबल कर दे तो कितनी हीट होगी? कोई कंडक्टर है, लेट अस सपोज कोई ये इस तरह से कंडक्टर, उसमें कुछ करंट जा रहा है, ठीक है, कितना जा रहा था? 1 एम्पियर, और इसने जो हीट बनाई थी वो कितनी थी? 2000 जूल बनाई थी। अब बोलते कि करंट को आपने 1 की बजाय 2 एम्पियर कर दिया, अब हीट कितनी रिलीज होगी? कुछ समय तो कुछ यही पूछे। क्या आपको पता है हीट जनरेट का फॉर्मूला? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग हीट का फॉर्मूला रहता है I² R * T। अब देखिए मटेरियल वही है, जिस मटेरियल में 1 एम्पियर करंट भेज रहे थे उसी में 2 एम्पियर भेज रहे, मटेरियल अगर वही है, सब कुछ वही है, तो रेजिस्टेंस तो उसका क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। साथ ही साथ करंट की ही वैल्यू को चेंज किया, यानी टाइम उतने के लिए भेजना है, यानी टाइम की वैल्यू भी क्या रही है? सेम रही। तो आप मुझे बताओ कि जो हीट हुई वो किस पे डिपेंड की? वो करंट के स्क्वायर पे डिपेंड की, करंट के स्क्वायर पे डिपेंड की। यानी अगर मैं बोलूं कि करंट के अंदर 2 गुना चेंज हुआ, 2i हुआ, तो मुझे पता है इसका स्क्वायर करना है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? आ जाएगा 4i², यानी करंट के अंदर अगर आप डबल चेंज करते हो तो हीट के अंदर 4 गुना चेंज आएगा। अब कुछ ऐसे लिखे, देखे मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। लेट अस सपोज पहले केस में जो हीट थी वो H1 थी, कितनी होगी? करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। अब जो दूसरे केस में हीट होगी वो कितनी होगी? करंट डबल कर दिया तो यहां मैं 2i का स्क्वायर कर देता हूं, आर वही, टी वही, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 4i² RT। अब 4i² RT, i² RT पहले वाली हीट है,
तो यानी बाद वाली हिट क्या हुई, चार गुना होगी पहले वाली हिट की। पहले वाली हिट क्वेश्चन में गिवन आपको कितना बेटा, आपको कहा गया 2000 जूल हीट थी, तो उसको चार से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 8000, यानी 8000 जूल आ जाएगा। अब आप ऑप्शंस में देखें तो बिल्कुल ठीक है, आपको सी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, इस तरह से इसका आंसर आपने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि इंपल्स किसी पार्टिकल पे किसी फोर्स की वजह से जो लगती है गिवन इंटरवल के लिए, वो किसके इक्वल होती है, इक्वल टू चेंज इन इट्स, किसके चेंज के इक्वल होती है। यानी किसी कण पे अगर क्या हो, समयांतराल के दौरान कार्यशील बल के कारण उस कण में आवेग कितना होगा। देखिए अब इंपल्स होता क्या, देखिए जब भी किसी भी चीज पे कुछ फोर्स लगे और वो फोर्स बहुत ही थोड़े टाइम के लिए लगता हो, उसको इंपल्स कहा जाता है। और इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, वो होता है फोर्स इंटू थोड़ा सा वो टाइम, मैं डेल्टा टी लिख देता हूँ इसको। अब आपको पता हो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, लेट अस मैं लिखता हूँ डेल्टा पी डिवाइड बाय वो जो टाइम जिस दौरान वो चेंज हो रहा है, और मल्टीप्लाई बाय ये टाइम है। अब ये टाइम से ये टाइम कैंसिल, आपके पास क्या आ गया डेल्टा पी, यानी आपके पास आ गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी इंपल्स जो होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। आपको ये तो क्वेश्चन में पूछा था कि इंपल्स किसके बराबर होते हैं, किसके चेंज के बराबर होते हैं, तो आप ऑप्शन नंबर बी में देखिए बिल्कुल आपको लीनियर मोमेंटम दिख रहा है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। हालांकि आपको अगर याद हो एक थ्योरम हुआ करती है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, और उसके अकॉर्डिंग यही कहा जाता है कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहा जाता है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, यही स्टेटमेंट होती है क्या, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हमारा हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू हीट इज नॉट करेक्ट, कि तापन के कारण पदार्थ में होने वाले प्रसरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कि कोई भी आपके पास वस्तु या कोई मटेरियल है, जब आप उसको हीट देते हो, हीट देने से वो एक्सपेंड करता है, वो फैलता है, कोई कंडक्टर, इससे जुड़ी आपको कुछ बातें देखे आपको बताने की कौन सी सही है कौन सी गलत है, आपको गलत ढूंढ के बतानी है। अब पहले ऑप्शन पे चलिए, पहले ऑप्शन में कहा कि जो आइस है, ध्यान देना, जो आइस है जो वो मेल्ट करती है, पिघलती है, अब आपको पता है आइस मेल्ट होने के बाद किस में बदलती है, वाटर में बदलती है, तो इस दौरान इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, और ये होती है एक्सपेंड, फैलती है, क्या ये बात सही कही। अब आपको याद हो थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ एक क्वेश्चन में कि आइस और वाटर में फर्क होता है, आइस की जो डेंसिटी है वो कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी आइस से वाटर में बदला तो डेंसिटी में इंक्रीज हुआ। अब डेंसिटी का फॉर्मूला याद हो, मैंने बताया था मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास तो कांस्टेंट है बदलेगा नहीं, अगर डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इस केस में डेंसिटी बढ़ रही है वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने का मतलब आइस से जब वाटर में बदलेगा उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन इस ऑप्शन में तो बोल रहे हैं कि वो बढ़ जाएगा एक्सपेंड होगा, यानी गलत कह रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है इसमें गलत स्टेटमेंट है, तो यही आंसर हुआ आपका, क्योंकि बाकी सभी सही होंगे। जैसे अगर ऑप्शन बी को देखिए, उसमें कहा कि मरकरी थर्मोमीटर जो होता है उसके अंदर हम यही प्रिंसिपल यूज करते हैं कि मरकरी हीटिंग की वजह से एक्सपेंड होती है, तो बिल्कुल ठीक कहा कि जो थर्मोमीटर रहता है उसमें जो मरकरी है, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हीट गेन करके मरकरी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्सपेंड होती है, उसके अकॉर्डिंग रीडिंग आ जाती है। ऐसे ही ऑप्शन सी को देखें, रेल की जो लाइंस रहती हैं उनके बीच में भी गैप रखा जाता है ताकि अगर वो एक्सपेंड हो तो वहां पर वो कंपनसेशन हो जाए, एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है। ऐसे ही मेटलिक वायर है, टेम्परेचर की वजह से उनकी लेंथ में चेंज आता है, यानी बाकी सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको कहा गया इनमें से कौन सी एनर्जी की स्टोर्ड फॉर्म नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है। पहले ऑप्शन में ध्यान दें न्यूक्लियर एनर्जी, अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाइंड होते हैं उसकी वजह से उसके पास एनर्जी होती है, बिल्कुल ठीक है, जब तक वो बाइंड है एनर्जी है, जैसे वो टूटते हैं वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, इट मीन ये स्टोर्ड फॉर्म में है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो स्टोर्ड फॉर्म वाली है। अच्छा ऑप्शन बी पे चले, पोटेंशियल एनर्जी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे ले जाते हैं यहाँ पर जैसे मैंने होल्ड कर रखा है तो इसके पास एनर्जी है, क्योंकि जैसे छोड़ूंगा ये वापस नीचे गिर सकता है, यानी हाइट पर लेके जाने से उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, वो भी स्टोर्ड फॉर्म में होती है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी भी सही है। तीसरे ऑप्शन में कहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है, देखिए चार्ज को जब एनर्जी मिलती है तब वो मूव करता है, उसके मोशन को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं ना, एंड उसी एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा जाता है, लेकिन वो स्टोर्ड फॉर्म से रिलेटेड नहीं है, जब तक वो मूव कर रहा है एनर्जी है, यानी आपका सी ऑप्शन वो गलत है।
डी पे चले तो डी में कहा गया केमिकल एनर्जी। तो आपको पता होगा जो एलिमेंट्स रहते हैं उनके जो कंपाउंड्स बनते हैं, तो कंपाउंड जब जुड़े होते हैं तो उनके बॉन्ड्स की वजह से एनर्जी रहती है। तो जब तक वो जुड़े हैं उसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर्ड फॉर्म में है, जैसे वो बॉन्ड्स टूटते हैं एनर्जी रिलीज हो जाती है या एब्जॉर्व हो जाती है, तो यानी ये भी स्टोर्ड फॉर्म में। कौन सी नहीं है स्टोर्ड फॉर्म में? ऑप्शन सी, यानी वो जो है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये स्टोर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हुआ। का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में कहा द मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इज शोन बाय अ फिगर। आपको एक डायग्राम दे रखा है, इस तरह से लाइन बना रखी है और एक कार यहाँ से स्टार्ट करती है जीरो से, यानी ये डिस्टेंस मार्किंग का जीरो है, फिर 5, 10, 15, 20, 25 पे लोकेशन ए दे दी आप 25 पे, देन 30 है, 35 आगे दे दिया, नेक्स्ट पॉइंट बी नाम दे दिया, 40 है, 45 है, 50, 55, 60 पे आ गया, आपको सी पॉइंट दे दिया और वो भी किलोमीटर्स के अंदर है। ठीक है, इस तरह से आपको कहा गया एक कार है वो ओ से चलती है, यहां से कार स्टार्ट होती है चलना ओ से, एंड रिचेस टू ए, ओ से स्टार्ट हुई ए पे गई, ए से बी पहुंचती है, बी से पहुंचती है सी एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ अ टाइम, अलग अलग टाइम, मतलब अगर 5 सेकंड बाद यहां पहुंची, 10 में आ, 20 में आ, जैसे भी है टाइम का हालांकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो ओ से चली, ए पे आई, ए से बी में गई, बी से सी में गई। फिर कहा ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू सी, ओ से सी जाने के दौरान, फिर वो क्या करता है बैक टू बी, यानी यहां से घूम के सी से वापस कहां तक आ जाता है, इस बी पॉइंट तक आ जाता है। आपसे पूछा कि इस दौरान आपने टोटल डिस्टेंस कवर्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना है कि यहां से ओ से चल के वो जब बी पे आया टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, टोटल डिस्टेंस देखें। अब मुझे बताओ जब वो यहां से यहां तक गया डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, एक्चुअल पाथ लेंथ तो ये है जीरो, ये है 60, तो टोटल 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर वो वापस आया सी से बी, यानी इतना और एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, तो यहां तक है 35, यहां तक है 60, तो 60 माइनस 35 दैट इज 25, ये 25 किलोमीटर इतना जो डिस्टेंस है, 60 पूरा किया था और वापस 25 किलोमीटर भी आया, तो टोटल कितना हुआ 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर 85 किलोमीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस है। अगर आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन आपको डी दिख ही गया होगा कि 85 किलोमीटर डिस्टेंस आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यानी आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि इसमें डिस्प्लेसमेंट भी पूछा, वो देखें डिस्प्लेसमेंट आपको पता हो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट, स्टार्टिंग ओ है फाइनल बी है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट यानी ये जीरो से लेके ये 35 तक है, तो ये 35 किलोमीटर हुआ, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो कितना है 35 किलोमीटर। तो मुझे बताओ क्या डी ऑप्शन में 35 भी है? बिल्कुल हाँ, 85 किलोमीटर और 35 किलोमीटर, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इस तरह से ये थे आपके 2016 का जो इंडिया का फर्स्ट पेपर हुआ था उसकी फिजिक्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को भी, हमें इसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहेगा आपके वीडियोस और लाइक्स की वजह से। एंड बाकी वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पर उनके लिंक्स भी देख सकते हैं, आप बाकी ईयर्स के पेपर को वहां से उनकी वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, जय हिंद, जय भारत।